नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उम्मीदवारों को चार हालिया तस्वीरों, कम से कम एक फोटो, एक पहचान प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र। ये क्या है? जी हाँ, ये SSC GD कॉन्स्टेबल 2021 की भर्ती है, जिसकी PST और PET एडमिट कार्ड का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। आइए जानते हैं एडमिट कार्ड को किस प्रकार डाउनलोड करना है। ये वेबसाइट है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर PST PET ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कैप्स NIA SSF एंड राइफलमैन GD इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2021 टू बी हेल्ड फ्रॉम 18 मई 2022 टू 9 जून 2022 को आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का जो स्टेटस है। और आप यहां देख सकते हैं डाउनलोड कॉल लेटर, पहले स्टेटस आपको देखना होगा, उसके हिसाब से वहां टाइम दिया रहता है 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो सिंपली आप यहां देख सकते हैं आज 7 तारीख है और 18 मई से ही होने वाला है। तो आप अपना फटाफट यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल कर सर्च करेंगे, रोल नंबर से भी कर सकते हैं, और नाम के 4 अक्षर और पिता के 4 अक्षर, पिता के नाम के और डेट ऑफ बर्थ कैप्चा फिल करके सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, नाम से भी कर सकते हैं और रोल नंबर से भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो आप यदि एलिजिबल पाए गए हैं तो आप यहाँ पर अपना जो है PST और PET शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।